हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। फिजिक्स इन इजी वे के साथ कॉन्सेप्ट को समझना हुआ सबसे आसान। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पार्ट थ्री। इससे पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन की दो वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस लेक्चर को अटेंड करेंगे आपको बेटर समझ में आने वाला है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोकल रूट्स, यानी हमारे पास एक इक्वेशन है उसको हमें एक दूसरी इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है। बस शर्त यह है कि अगर इस इक्वेशन का रूट अल्फा है तो उसका 1/अल्फा होना चाहिए, अगर इस इक्वेशन का रूट बीटा है तो उसका 1/बीटा होना चाहिए, इस इक्वेशन का रूट अगर 2 है तो जिसमें हम कन्वर्ट करेंगे उसका रूट 1/2 आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है अगर आपके पास कोई इक्वेशन नंबर 1 है तो क्वेश्चन बोल रहा है इसको एक ऐसी इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर दो कि होना क्या चाहिए, अगर जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसका रूट 2 है तो इसका रूट 1/2 होना चाहिए, इसका रूट क्या है 7 है तो उसका 1/7 होना चाहिए। बेसिकली रूट रेसिप्रोकल हो जाने चाहिए। रेसिप्रोकल का मतलब ही क्या होता है, रिवर्स, उल्टा, 1/2 करना, 2 का 1/2, 3 का 1/3, रिवर्स करना, यही क्या होता है रूट्स होता है, ठीक है, यही क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। तो अब इक्वेशन को कन्वर्ट कैसे करेंगे हम, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। हमको यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है, हमको इसे करस्पॉन्डिंग एक दूसरी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स क्या हो, इस गिवन इक्वेशन के रेसिप्रोकल रूट्स हो, यानी कि अगर इसका रूट अल्फा है तो जो इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होगी उसका रूट 1/अल्फा होना चाहिए। तो अब कैसे हम इक्वेशन को ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट करें जिसके रूट रेसिप्रोकल होते हैं, इसको हम केवल एक स्टेप में समझ सकते हैं। आपकी मैगी 2 मिनट बने ना बने, जैसे हम वादा किया जाता कि मैगी 2 मिनट बन जाती है, लेकिन मैगी 2 मिनट बने ना बने, ये क्वेश्चन 2 मिनट बनेगा जरूर। और मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 2 सेकंड में भी इसका आंसर बता पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कैसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया हुआ, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगर क्वेश्चन में मेंशन हो यहाँ पर कि रेसिप्रोकल रूट्स गिवन है तभी सॉल्व करना है रेसिप्रोकल, यानी कि हर क्वेश्चन में रेसिप्रोकल लगा दें, क्वेश्चन में मेंशन होगा कि रेसिप्रोकल रूट्स वाली इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें करना क्या, सिंपल सा वर्किंग रूल है कि एक्स को रिप्लेस कर दो 1/x से, बस जहाँ पर एक्स लिखा हुआ है वहाँ 1/x 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 लगते जाओ, हमारी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी ऐसी इक्वेशन में जिसके रूट्स क्या है रेसिप्रोकल रूट्स होंगे। तो देखते हैं कैसे होगा। तो यहां पर x की पावर 4 है, इसकी जगह हम रख देंगे 1/x की पावर 4, यहां x की क्यूब है तो यहां कर देंगे 1/x का क्यूब, यहां x के स्क्वायर तो कर देंगे 1/x का स्क्वायर, यहां पर x है तो कर देंगे 1/x-12=0। तो करना क्या है हमको, जहां पर हमारा x है वहां पर हम 1/x से रिप्लेस कर देंगे। तो यहां पर x को 1/x से रिप्लेस करा, हर जगह पर हमने सेम प्रोसेस कर दी। अब इसको लिखेंगे 1/x की पावर 4, 4/x का क्यूब, 5/x का स्क्वायर, 11/x-12=0। अब देखो करना क्या है आपको, डिनोमिनेटर से सारे एक्स को गायब करना है, उसको सिर्फ एक तरीका है आपके पास कि जो एक्स की मैक्सिमम पावर एक्स की पावर 4 है उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर के सारे एक्स गायब हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है हमको, सभी टर्म्स को एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देना, x की पावर 4 x की पावर 4 x की पावर 4 x की पावर 4 एंड x की पावर 4। अब क्या होगा, वो ये x की पावर 4 कट जाएगी, यहाँ 3 पावर कट जाएगी, यहाँ 2 पावर कट जाएगी, यहाँ 1 पावर कट जाएगी, यहाँ कुछ नहीं कटने वाला, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ देखो 4 बचेगा और x की सिंगल पावर बचेगी 5, 2 पावर कटी है तो x स्क्वायर बचेगा 11, x क्यूब बचेगा 12, x की पावर 4 ये बच जाएगा। तो एक और तरीका, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है कि जो हमारा लास्ट टर्म है ना, ये वाला, ये जो लास्ट टर्म है उसको, मतलब मैक्सिमम पावर वाले टर्म को पहले लिख दो, -12x की पावर 4 + 11x³ + 5x² - 4x + 1=0 कर दो, और माइनस से कॉमन लेके हटा दो, आप माइनस से कॉमन लेकर हटा दो। तो जैसे यहां से माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेके आपने जीरो कर दिया, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो, आप किसी भी गिवन इक्वेशन को ऐसी इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो जिसके रूट क्या हो रेसिप्रोकल रूट्स हो, कुछ नहीं करना है, बस जहां पर एक्स है वहां पर 1/x 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 रिप्लेस करके सिंप्लीफाई कर देना है। अब क्या होगा, एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप देखते ही आंसर निकाल लोगे, सिर्फ देखते ही आप इसका आंसर बता दो क्या आंसर होने वाला है। तो इसी क्वेश्चन को हम करते हैं उस ट्रिक से भी।
तो हमें क्वेश्चन गिवन है क्या, एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर फोर माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। हमें इसको ऐसी इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है जिसके रूट्स क्या हो, इस इक्वेशन के रेसिप्रोकल रूट्स के इक्वल। तो करना क्या, कुछ नहीं करना, देखो हमें जो भी कोफिशिएंट को भूल जाओ, हमें जो पावर है ना एक्स की उनको लिखो। जैसे हमने यहाँ पे एक्स की पावर फोर लिखा, फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे एक्स की पावर थ्री, फिर एक्स की पावर टू, फिर एक्स, फिर और कुछ, फिर एक्स की कोई पावर नहीं, एक्स की कोई पावर नहीं। तो मैं प्लस करके यहाँ पर कुछ एक टर्म लिखने की जगह छोड़ देता हूँ। क्या करना है, हमने पहले एक्स की पावर फोर लिखनी है, फिर एक्स की पावर थ्री लिखनी है, फिर एक्स की पावर टू लिखनी है, फिर एक्स की पावर वन लिखनी है, फिर इस टर्म के लिए जगह छोड़ देनी है। मतलब कुछ नहीं लिखना है वहाँ पर, कहने का मतलब ठीक है, आपको दिख रहा है इधर की साइड दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, बट यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ ठीक है। अब देखो ध्यान से करना क्या है, यहाँ से शुरुआत करनी है, यानी कि जो लास्ट वाला टर्म लिखा है उसको पहले लिखना है, फिर सेकेंड कोफिशियंट को यहाँ लिखना है, इस कोफिशियंट को यहाँ लिखना है, इस कोफिशियंट को यहाँ लिखना है, और इसका कोफिशियंट उसको सबसे आखिरी में लिख देना है। काम खत्म हो गया आपका ठीक है, बहुत आसान ट्रिक। देखो दोबारा समझो करना क्या है हमको, एक्स की पावर फोर के नीचे एक्स की पावर फोर लिखना है, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब लिखना है, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिखना है, एक्स के नीचे एक्स लिखना है, प्लस करके लास्ट की जगह छोड़ देनी है। फिर करना क्या है, पीछे के कोफिशियंट को उठाना है और लिखते जाना है। जैसे लास्ट कोफिशियंट क्या है माइनस बारह, तो यहाँ माइनस बारह कर देंगे। फिर क्या है प्लस का ग्यारह, फिर क्या है प्लस का पाँच, फिर क्या है माइनस का चार, फिर क्या है प्लस का एक इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारा, देखो ये हमारी इक्वेशन आ गई सिंपल से, मत फर्क क्या है, इसमें हमने माइनस कॉमन ले लिया, इसमें माइनस कॉमन नहीं लिया गया है। अगर आप इसमें माइनस कॉमन ले लोगे देखो तो सेम बन जाएगी। देखो माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लो इसमें से, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगी। देखो ट्वेल्व एक्स की पावर फोर माइनस इलेवन एक्स क्यू माइनस एक्स फाइव एक्स और यहाँ प्लस का फोर यहाँ पर, ठीक है ना, चुटकियों में आंसर निकल जाएगा। तो इसका यूज हम अपने एग्जाम में कर सकते हो, या फिर आप जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दोगे वहाँ पर क्या होता है ऑप्शन में टिक लगाना होता है, तो आप देख के भी टिक लगा सकते हो, कुछ नहीं करना, बस सेम पावर सेम जगह पर होनी चाहिए और कोफिशियंट पीछे से आगे को लिख दो, यानी लास्ट कोफिशियंट पहले, उसके बाद वाला यहाँ पर, उसके बाद वाला यहाँ पर, उसके बाद वाला यहाँ पर, उसके बाद वाला यहाँ, फिर देख लेना कि पहले टर्म पे माइनस नहीं होना चाहिए ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, कमेंट करके आप इसका आंसर बताएंगे मुझे। क्वेश्चन वही है सेम, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, पर इस बार गिवन इक्वेशन चेंज कर दी मैंने, एक्स की पावर फोर माइनस फाइव एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो कर दी। अब इसके मुझे इसको ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है इसके रूट्स क्या आएंगे, रेसिप्रोकल रूट्स के इक्वल आएंगे ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिजिक्स इन इजी वे के साथ हर कॉन्सेप्ट को समझना हुआ सबसे आसान। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।